नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपके मुर्गी में सीआरडी का प्रॉब्लम है, यानी अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर सर्दी खांसी जुकाम का प्रॉब्लम आपकी मुर्गी में दिख रहा है, तो दोस्तों मैं आपको एक इलाज बता रहा हूँ, एक मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने मुर्गी को बहुत ही आसानी से सीआरडी जैसे बीमारी से या फिर सर्दी खांसी जुकाम से छुटकारा दिला सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इस बीमारी को कैसे पहचान करेंगे कि आपके मुर्गी में सीआरडी का बीमारी आया है? तो सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि आपकी मुर्गी जब सांस लेगी तो वो मुंह खोल के सांस लेगी। उसके साथ साथ दोस्तों, सांस लेने वक्त आपको साउंड भी एक सुनाई देगा, घड़घड़ घड़घड़ टाइप का, यानी गले के आसपास म्यूकस या फिर बलगम जम जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होता है और सांस लेने वक्त एक साउंड सुनाई देता है। तो ये सब कुछ मेजर सिम्टम्स है। अगर आपकी मुर्गी में नज़र आता है ऐसा कुछ, तो आपको अंदाज़ा लगा लेना होगा कि आपकी मुर्गी में सीआरडी या फिर सर्दी खांसी जुकाम का प्रॉब्लम आ चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इलाज के बारे में, यानी इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको एक मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ, जिसको आप खरीद सकते हैं, उसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। ये एक एंटीबायोटिक है, ये काफ़ी अच्छा काम करता है सीआरडी या फिर सर्दी खांसी जुकाम का प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। इस मेडिसिन को खरीदने के लिए अगर आप कोई भी वेटनरी शॉप पे जाके इसका नाम अगर बताते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, तो आपको कोई भी ब्रांड का, यानी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का आता है, तो कोई ना कोई ब्रांड का आपको वो उपलब्ध करा देंगे। तो ये जो पैक आता है ये पाउडर फॉर्म में आता है। इसके अलावा, यानी अगर आपके आसपास में कोई वेटनरी शॉप्स नहीं है, ऐसा होता है कि बहुत तो ऐसे फार्मर्स हैं जिनके आसपास में वेटनरी शॉप्स नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों मैं बता दूं, आप टैबलेट फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके आसपास में कोई भी अगर मेडिकल शॉप्स है तो उधर जाके अगर आप कहेंगे डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का टैबलेट दिला दीजिए, तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे। तो इसमें भी बहुत सारे ब्रांड्स आएंगे, कोई ना कोई ब्रांड्स को आपको ले लेना है। तो डॉक्सीसाइक्लिन अगर आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है वेटनरी शॉप से, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं 100 mg का। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इस मेडिसिन को कैसे आपको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले अगर आप पाउडर फॉर्म में, यानी डॉक्सीसाइक्लिन का पाउडर खरीद के लाते हैं, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, 1 ग्राम पाउडर को लेना है, यानी 1 ग्राम मेडिसिन को लेना है, और 1.5 से 2 लीटर पानी में आपको मिलाना है। तो इसी के हिसाब से आप एक बार में जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर एक बार में आप 2 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं या फिर 2.5 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उस पानी में आपको इस मेडिसिन को मिला के अपनी मुर्गी को पीने के लिए देना है। अब दोस्तों बात करते हैं इसको देने का सही तरीका क्या है। तो इस मेडिसिन को आपको एक दिन में मिनिमम 8 घंटा लगातार चलाना है। जैसे आपको सुबह 6 बजे से स्टार्ट करना होगा और लगातार दोपहर के 2 बजे तक जितना बार पानी चेंज करेंगे, जितना पानी पिलाएंगे, उसी पानी में आपको मेडिसिन को मिला के अपनी मुर्गी को पिलाना होगा। जैसे 6 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक आप 4 बार पानी दे रहे हैं या फिर 4 बार पानी को चेंज कर रहे हैं, तो 4 बार जितना पानी देंगे आपको फिर मेडिसिन को मिला के अपनी मुर्गी को पीने के लिए देना है। इसके बाद इसको लगातार आपको 3 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। 3 दिन में अगर आपकी मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है तो ठीक है, वरना आप लगातार और 2 दिन, यानी टोटल 5 दिन के लिए फिर आपको इसको चलाना होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं अपनी मुर्गी में, यानी डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का टैबलेट अगर आप मुर्गी को दे रहे हैं, तो उसका जो डोज रहेगा वो रहेगा 2 टैबलेट आपको इस्तेमाल करना है 2 लीटर पानी में। यानी अगर आप एक बार में 2 लीटर पानी मुर्गी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 2 टैबलेट इस्तेमाल करना है, अगर आप 4 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपको 4 टैबलेट इस्तेमाल करना है। तो ऐसे करके आप एक बार में जितना पानी इस्तेमाल करेंगे आपको फिर उतना टैबलेट का इस्तेमाल करना है। इसके बाद दोस्तों इसका जो इस्तेमाल करने का सही तरीका है वो है दोस्तों, जो टैबलेट या फिर जो कैप्सूल रहता है उसको आपको तोड़ लेना है, और तोड़ के उसके अंदर में जो पाउडर मौजूद होता है उस पाउडर को आपको पानी में घोलना है, और पाउडर को निकाल के अच्छे से पानी में घोल के फिर आपको इसको पीने के लिए अपनी मुर्गी को देना है। तो इसको भी दोस्तों वही सेम प्रोसेस से आपको चलाना है, जैसे अगर आप सुबह 6 बजे दे रहे हैं, यानी 6 बजे से आपको स्टार्ट करना है देना, और 6 बजे से लेकर लगातार 2 बजे तक आपको इस मेडिसिन को चलाना है, यानी 6 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर के जितना पानी इस्तेमाल करेंगे, जितना बार पानी इस्तेमाल करेंगे उतना बार आपको टैबलेट को घोल के अपनी मुर्गी को पीने के लिए देना है, और इसको लगातार आपको 5 दिन के लिए चलाना है। 5 दिन के बाद दोस्तों आप देखेंगे आपकी मुर्गी में जो भी सीआरडी का सिम्टम्स था, यानी छिक छिक का प्रॉब्लम या फिर घर घर का प्रॉब्लम या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रहा था या फिर आँख से पानी आ रहा था, वो सारा प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में, जैसे ही आपकी मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, यानी 5 दिन के इस्तेमाल के बाद आपकी मुर्गी स्वस्थ हो गया, उसके बाद आपको 3 या फिर 4 दिन के लिए लीवर टॉनिक चलाना होगा।
तो लिवर टॉनिक कैसे चलाना है, कितनी मात्रा में देना है, उसके ऊपर हमारे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप वो वीडियो जाके एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज का था ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बताया सीआरडी के इलाज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलेंगे कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।